अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग। इसके अंदर हमने एक फ़्रॉक बनाई हुई है और ये तीन सूट बनाए हुए हैं हमने। तो ये फ़्रॉक है और ये तीन सूट हैं और सबके अंदर हमने बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे और आप पूरी वीडियो वॉच करना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के। इसके अंदर हमने बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग की है। तो ये देखें, फ़्रॉक के दामन के अंदर हमने बहुत काम किया हुआ है। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी ये आपको दामन सिर्फ रफली दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखें, पहले गले से शुरू करते हैं हम। गले हमने इसके अंदर गोल के अंदर एक बड़ा वी बनाया हुआ है और छोटा सा गोल बनाया हुआ है और उसके ऊपर हमने ये मोतियाँ लगाई हुई हैं और मोतियों के ऊपर भी बारीक मोतियाँ लगाई हुई हैं। तो क्रिस्टल वाली मोतियाँ लगाई हैं हमने गले के अंदर और गले के गुलाई वाले हिस्से में, ठीक है। और वी हमने इसका पलट दिया और गला एप्लिक करवा दिया। तो ये हो गया हमारा गला। अब हम आपको स्लीव्स दिखाते हैं। स्लीव्स में आपको पहन के दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, स्लीव्स के हमने एक मिनट, ये मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है इसके अंदर, थोड़ा पतला साइज़ है। तो ये एक मिनट में ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, हाथ तो जा नहीं रहा इसके अंदर। तो ये देखें दोस्तों, इसके अंदर ये कफ बनाया हुआ है हमने। कफ के अंदर हमने काफ़ी चौड़ा पट्टा पलटा हुआ है पीछे की तरफ और इसके ऊपर भी हमने मोतियाँ लगाई हुई हैं बिल्कुल बारीक बारीक। और ये टिच बटन लगाया है आइसिन के अंदर और ऊपर मोटिफ को एप्लिक करवाया हुआ है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स। ये बॉडी बनाई है, बॉडी अलग हमने इसके बॉक्स प्लेटें डाली हुई हैं। ये बॉक्स प्लेटें डाली हुई हैं, देखें दोस्तों, ये बॉक्स प्लेटों की सिलाइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी। काफ़ी बड़ा घेर है इसका फ्रॉक का। ये बॉक्स प्लेटें देख लें आप सबसे पहले कि किस तरीके से हमने इसकी बॉक्स प्लेटों के अंदर इसका पूरा घेर हमने एडजस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये आप भी बना सकते हैं अपनी फ्रॉक और अपने पूरे काफ़ी बड़े कपड़े को, घेरे को इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका घेरा देखें आप कितना बड़ा है इसका, कम से कम 5 गज का इसका घेरा है। और ये टिश्यू लगाया है हमने इसके पूरे घेरे के ऊपर, आगे और पीछे हमने टिश्यू लगाया, सेंटर लेस से जोड़ा हुआ टिश्यू को। टिश्यू के ऊपर हमने एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगाई हुई हैं और ऊपर और नीचे हमने सेंटर लेस लगाई हुई है चौड़ी वाली और सबसे लास्ट में हमने बॉर्डर लगाया। बॉर्डर के पीछे भी हमने एक लेस लगाई है और पीछे हमने कपड़ा पलट दिया है। तो सबसे नीचे हमने लेस लगाई है और सेंटर लेसों को और हर चीज़ को देखें आप किस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने पीछे कपड़े की मदद से फोल्ड किया हुआ है ताकि धागे वगैरह नहीं निकलें और पलट के जोड़ वगैरह पीछे की तरफ दोबारा पलट कर नहीं आए। तो ये हमने अपना घेरा बना लिया आगे पीछे फ्रॉक का। अब ये दुपट्टा देखें, दुपट्टे पे हमने बनारसी कपड़े का बॉर्डर लगाया और चारों तरफ लेस लगाई हुई है। तो ये बनारसी कपड़े का हमारा बॉर्डर लगा हुआ है और ये चारों तरफ हमने लेस लगाई हुई है। तो ये दुपट्टा हो गया हमारा। अब हम आपको इसकी पेंट दिखाते हैं। इसकी पेंट में हमने क्या किया, तीन पेंटेक्से डाली हुई है क्योंकि फ्रॉक है तो खाली नीचे का इतना हिस्सा नज़र आने वाला है। तो इसलिए हमने पैंट में ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सी डिज़ाइनिंग की हुई है। सेंटर लेस लगाई है, प्लेटें डाली हैं और नीचे एक पट्टी लगाई हुई है बिल्कुल बारीक सी, 1 इंच की पट्टी है तकरीबन। अभी आप हमारा दूसरा सूट देखें, इसके अंदर भी हमने बहुत प्यारा काम किया हुआ है। दुपट्टा दिखाएंगे सबसे पहले, दुपट्टे के ऊपर क्या किया हुआ है, फिनिशिंग पट्टी लगाई हुई है दुपट्टे के ऊपर, ठीक है। तो ये दुपट्टा हो गया हमारा। पैंट के ऊपर 2 लेसें लगाई हुई हैं। शर्ट में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है हमने, तो इसलिए हमने दुपट्टे को और पैंट को ज़्यादा हैवी नहीं किया। तो पैंट के अंदर आप देख लें 2 लेसें किस तरीके से एडजस्ट की हुई हैं हमने। अब हम आपको इसकी शर्ट दिखाते हैं। शर्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, 3-4 किस्म की लेसों की मदद से और मोटिफ की मदद से हमने बहुत प्यारी शर्ट बनाई हुई है। तो पहले एक लेस घुमाई है हमने, ठीक है, इसके बाद हमने उस लेस के साथ दूसरी लेस अटैच की हुई है। ये देखें आप, ये पीछे की तरफ से दूसरी लेस आ रही है और एक अलग से और लेस ली हुई है। 3 लेसें हमने लगाई हैं गले के अंदर, एक अलग से लेस लगाई है वो गले के ऊपर वाले हिस्से पर घुमाई हुई है। फिर 2-2 बटन लगाए हुए हैं लेस के अंदर और लेस के मोटिफ देखें किस तरीके से मिल रहे हैं आपस में। अब ये एक मोटिफ हमने इधर लगाया हुआ है शोल्डर की तरफ और एक मोटिफ हमने हिप की तरफ लगाया हुआ है। तो ये 2 मोटिफ लगा दिए हमने। अब हम आपको बैक दिखाते हैं इसकी। बैक के ऊपर भी हमने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, पूरा मोटिफ लगाया हुआ है बॉडी के साथ। तो ये देखें, ये हमारा मोटिफ आ रहा है पीछे की तरफ और ऊपर सेंटर में हमने बटन भी लगाए हुए हैं। तो ये बटन लगा दिए हमने। अब स्लीव्स दिखाते हैं इसकी। स्लीव्स के ऊपर हमने सबसे पहले शोल्डर की तरफ क्या काम किया हुआ है, पेंटेक्सी डाली है कपड़े के ऊपर, फिर हमने ऊपर 2 मोटिफ एप्लिक किए करवाए इसके ऊपर, ठीक है। और हमने इसको ज्वाइंट किया हुआ है एक मोटिफ के साथ। पेंटेक्सी डालने के बाद हमने इस पर एप्लिक करवाया मोटिफ का और फिर नीचे भी हमने जो हमारा पीस निकला हुआ था शर्ट के कपड़े के अंदर से वो लगाया है और उसके ऊपर हमने बटन लगाए हुए हैं। सबसे लास्ट के अंदर हमने एक लेस अंदर से जो गले में लगाई हुई थी वो लेस हमने कटवर्क के साथ ही जोड़ी हुई है। तो ये देखें, ये लेस इसके साथ हमने लेस जोड़ी है और लग रहा है ऐसा है कि क्या बोलते हैं, इसके साथ कढ़ाई कराई हुई है।
अब हम आपको इसका दामन दिखाते हैं। दामन के ऊपर हमने काफ़ी अच्छी लेसों को जोड़ जोड़ के हमने पीस बनाया हुआ है। सबसे ऊपर हमने लेस लगाई है, ठीक है, फिर हमने ये मोटिफ ये भी लेस लगाई हुई है, एप्लिक कराई हुई है। फिर हमने ये नीचे जो पीस था, कपड़े का जो पीस निकला था, ये बिल्कुल सादा पीस था, इसके ऊपर हमने छोटे छोटे फूल एप्लिक कराए हुए हैं। ये चौकोर डब्बों वाला पीस निकला था हमारा, तो हमने उसके ऊपर छोटे छोटे फूल लगा दिए। सबसे लास्ट के अंदर भी एक लेस लगाई हुई है, और जो हमारी कढ़ाई आ रही थी, जिस आइसिंग के अंदर आ रही थी, उसके पीछे हमने लेस लगाई है। ये देखें, लेस जीपीओ की लेस है, तो इस लेस को हमने कटवर्क के अंदर जोड़ा हुआ है। तो आपके पास भी अगर इस तरीके से पीस आ जाए जिसमें कटवर्क हुआ हो, तो आप लेस जोड़ सकते हो उसके अंदर। ये देखें, बैग देख लें आप, बैग के अंदर भी हमने पूरा ये पीस जोड़ा हुआ है लेसों के साथ। और ये देखें, ये हमारा खाली है, आपको नज़र आ रहा होगा। और फ्रंट के अंदर हमने छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं, जो ये हमारा खाली हिस्सा था, इसके अंदर हमने छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं। ये कपड़ा था हमारा, चकोर चकोर डब्बे बने हुए थे इसको, तो हमने इसको इसके साथ अटैच करा हुआ, जोड़ा हुआ है दो लेसों की मदद से नीचे की तरफ। अब हम आपको अपना तीसरा सूट दिखाते हैं। इसकी शलवार देखें, इसकी वीडियो बना के मैंने चैनल पर अपलोड भी कर दी, और काफ़ी टाइम पहले अपलोड की थी, तकरीबन 6 महीने पहले। तो आप इसकी अगर इसकी स्टिचिंग सीखनी हो इस शलवार की, तो हमारे चैनल का विज़िट करके इसकी शलवार की स्टिचिंग सीख सकते हैं आप चैनल पे जाके। तो ये देखें, अब हमने किस तरीके से एंकर के धागों की सिलाइयों की मदद से इस पर पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है शलवार के अंदर। नीचे पाइचों पे पट्टी लगाई है, पीछे की तरफ अलग तरीके से सिलाई आ रही है एंकर की, और आगे की तरफ अलग तरीके से। तो ये हमारी शलवार बन गई। अब हम आपको ये कमीज़ दिखाते हैं दोस्तों। इस शर्ट का पूरा गला मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, हाल ही में अपलोड किया है, अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले। तो ये गले के ऊपर पूरा हाथ से काम किया हुआ है, छोटी छोटी सी हमने इसमें पीस पत्तियां लगाई हुई हैं, और इसके ऊपर हमने धागे से टाँके लगाए हुए हैं, मोटे वाले धागे से इसको धागे जोड़ा हुआ धागे की मदद से, ठीक है। और अब ये हमने इसकी वीडियो भी अपलोड करी हुई है चैनल के ऊपर। सेंट्रल लेस लगाई है, सेंट्रल लेस के पीछे हमने गुलाबी कलर का कपड़ा लगाया, आइसिंग के अंदर कफ लगाया, कफ पर हमने पट्टी पलटी करी हुई है। और पूरी स्लीव्स जो है हमारी कढ़ाई वाली है, और पूरा पीस जो है हमारा सादा है, जो हमने पैनल लगाए हैं। दामन बनाया दोस्तों, दामन पे देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी हो, तो ये हमने किस तरीके से स्टिच किया है दामन, आप जाके चैनल पर सीख सकते हैं। कि ये देखें, ये सेंटर लेस को हमने किस तरीके से गुम किया हुआ है, दोनों पट्टियों के बीच में ऊपर नीचे दो दो एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं, बीच में हमने इसमें पत्तियाँ लगाई हुई हैं, सबसे लास्ट में लेस लगाई है, लेस के नीचे हमने टिशू का कपड़ा अटैच किया हुआ है, पीछे हमने फिनिशिंग पट्टी दे दी है, दामन के पीछे भी हमने फिनिशिंग पट्टी दे दी है। तो ये हमारी शर्ट तैयार हो गई है। अब हम आपको लास्ट शर्ट दिखाते हैं। ये देखें, हमने पहले शलवार देखें, हमने इसमें कितनी सारी सिलाइयाँ लगाई हैं एंकर के धागे की, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी शलवार। ये शलवार है हमारी, कम से कम हमने 10 इंच के पीस के अंदर हमने सिलाइयाँ ही सिलाइयाँ लगाई हैं, और इसकी वजह से शलवार बहुत प्यारी लग रही है। सिर्फ सिलाइयाँ लगाई हैं हमने। ये हमने कॉलर बनाया हुआ है, ये कॉलर देख लें आप, नए स्टाइल का कॉलर है, और पट्टी लगाई हुई है, फ्लेट कॉलर बोलते हैं इसको। और हमने ये आइसिंग बनाई हुई है, आइसिंग के अंदर हमने ये बॉर्डर जोड़ जोड़ के स्लीव्स बनाई है। सिर्फ ये साइड से बॉर्डर निकला था, इसको जोड़ जोड़ के स्लीव्स बना दिए। चाक दामन में हमने फिनिशिंग पट्टी पलट दी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये खुल क्यों नहीं रहा?